I am not yelling. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरक्षण के खिलाफ एक महीने तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। शेख हसीना के जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोल दिया और अराजकता फैला दी। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय के गेट तोड़ दिए और जमकर उत्पात मचाया। कुछ लोग भूखों की तरह बिरयानी पर टूट पड़े, जबकि कुछ प्रधानमंत्री के बिस्तर पर आराम कर रहे थे। इसके अलावा कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो सारी हदें पार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स तक चुरा लिए। इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें प्रदर्शनकारी बड़े फख्र से शेख हसीना की ब्रा को दोनों हाथों से पकड़कर लहरा रहे थे, जबकि अन्य लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने इसे अराजकता का प्रदर्शन करार दिया है, जबकि अन्य लोगों ने भारत को सावधान रहने की चेतावनी दी है। कई लोगों ने प्रदर्शनकारियों के व्यवहार की तुलना जानवरों से की और उनके कार्यों की निंदा की है। प्रदर्शनकारियों के पीएम आवास पर लूटपाट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फोटो में दिख रहा है कि लोग साड़ी ब्लाउज तक लूट कर ले जा रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी महिलाएं तो पूरा ब्रीफकेस ही उठा कर ले जा रही हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद मानो पीएम आवास को लावारिस छोड़ दिया गया था, तभी प्रदर्शनकारियों ने वहां इतना उत्पात मचाया। पीएम हाउस पर ना पुलिस तैनात थी और ना ही सेना के जवान नजर आए। प्रदर्शनकारी बेखौफ होकर खुलेआम कमरों के अंदर तक घुसकर लूटपाट कर रहे थे, उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। उपद्रवियों ने यहां से कुर्सी, टेबल, सोफा, कुरान, लैंप, महंगे पंखे, फर्नीचर, पौधे, आरओ प्यूरिफायर, टीवी, ट्रॉली बैग, एसी और गद्दे तक को लूट लिया। यही नहीं, एक आदमी तो एक बड़ी सी मछली भी लूट कर ले जाता हुआ दिखाई दिया। कई उपद्रवियों ने शेख हसीना के कपड़े और निजी सामान को भी चुरा लिया है। कई उपद्रवी उद्यान से बतख और बकरी को भी लूट कर ले जाते दिखे। फिलहाल स्थिति अनुकूल न होने पर पूर्व बांग्लादेशी पीएम ने ब्रिटेन से शरण मांगी है। हालांकि इस संबंध में अभी तक यूके की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में तब तक वह भारत में ही अस्थायी रूप से प्रवास करेंगी। इसके साथ ही लंदन में भारत की ओर से पूर्व बांग्लादेशी पीएम को सुरक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी। Is ANI New Delhi, Reuters King Services. Support the army and... buildings in the country.